हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और जी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, बल्कि आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले नहीं हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग जो 2021 के लिए बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है यानी कि मॉडल पेपर जो जारी किया गया है उसी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। यानी कि ये देखेंगे इस लेक्चर में कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं और हम लोग किस आधार पर तैयारी करें, यानी कि किस चैप्टर से कैसे तैयारी करें और उस पर कितना टाइम दें जिससे कि एग्जाम हॉल में जब हम लोग बैठे तो 50 में 50 मार्क्स हम लोग को मिल जाए। तो देखिएगा, जो पेपर बिहार बोर्ड ने 2021 के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें ये जितने भी लिखा गया है पर देख रहे हैं नेम ऑफ चैप्टर्स, यानी चैप्टर्स के नेम है, और ये क्या लिखा गया है नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी किस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं, और ये लिखा गया है नंबर ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको आप हिंदी में लघु उत्तरीय बोलते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कितने आए हैं किस चैप्टर से ये बताया गया है, और यहां पर देख रहे हैं नंबर ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कितने दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग टाइप कितने क्वेश्चन आए हैं किस चैप्टर से उसको लिखा गया है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इस एनालिसिस से ये समझ में हम लोग को आ जाएगा कि जो 2021 में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें किस चैप्टर को कितना वेटेज दिया जाएगा। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम लोग किसको देख रहे हैं, रिलेशन फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि रिलेशन फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन से कुल कितना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और शॉर्ट टाइप यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन कितने हैं 1, और इससे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसके पहले भी जब भी एग्जाम हुआ है तो इस रिलेशन फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन से बहुत कम ही बार ऐसा हुआ है जब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा गया, बल्कि कभी पूछा ही नहीं गया है। अगर आप 10 साल के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो एक बार भी आपको नहीं दिखेगा जिसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा गया हो। हाँ, ये हो सकता है कि अगर पूछा गया हो तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है। तो देख रहे हैं यहां पर भी एक क्वेश्चन को शामिल किया गया है, क्योंकि इस रिलेशन फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन को ऑब्जेक्टिव के लिए ही रखा जाता है, सही है ना। अब यहां देखिए दूसरा बात आता है इनवर्स ट्रिगो। तो इनवर्स ट्रिगो से देख रहे हैं केवल इनवर्स ट्रिगो से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख रहे हैं केवल इनवर्स से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं केवल इनवर्स से 10, और कितने शॉर्ट क्वेश्चन है 2, हां इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। इनवर्स ट्रिगो से शॉर्ट क्वेश्चन तो आते ही हैं, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो मॉडल पेपर में 1 लॉन्ग क्वेश्चन है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में रिलेशन फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन, ये और ये इनवर्स ट्रिगो दोनों मिलाकर के 10 मार्क्स का ये सिलेबस है आपका। लेकिन होता क्या है कि इसमें मैक्सिमम 4 मार्क्स का ही इससे पूछा जाता है, किससे, रिलेशन फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन से, और इनवर्स ट्रिगो से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसे सिलेबस के अनुसार जो पीछे के जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर को एनालिसिस करने के बाद आपको बता रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इनवर्स ट्रिगो से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं 10, शॉर्ट क्वेश्चन 2 है और लॉन्ग क्वेश्चन 1 है। इसके बाद देख रहे हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस से ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इससे भी कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, हाँ शॉर्ट क्वेश्चन आते रहता है। तो देख रहे हैं यहां पर भी मैट्रिसेस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है 7 है, शॉर्ट क्वेश्चन कितना है 1 है, और लॉन्ग क्वेश्चन कितना है यहां पर देख रहे हैं 1 भी नहीं है। तो मैट्रिक्स को आप ऐसे तैयार करें, इसको आप ऑब्जेक्टिव के व्यू से ही तैयार करें, क्योंकि इस पर देख रहे हैं कि बहुत कम टाइम्स ऐसा होता है जब इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हाल के 2-3 वर्षों में क्वेश्चन इससे भी सब्जेक्टिव में यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, आप ये पर देख रहे हैं 2-3 साल से। इसके बाद देखिए डिटर्मिनेंट से कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो डिटर्मिनेंट से कुल 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 देख रहे हैं 2 क्या पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट से आप ये मान करके चले कि एक ही क्वेश्चन आता है, इस बार तो 2 पूछ दिया गया है, बट आप ये बोर्ड को जब ध्यान रखते हैं तो आप ये मान करके चलें कि इससे एक ही क्वेश्चन आएगा, है ना, ये मॉडल पेपर का है, लेकिन आप 2021 के लिए समझें कि एक ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन हाँ, होगा क्या कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा उसमें 2-3 पूछा जा सकता है,
और बात रहा ऑब्जेक्टिव का, तो डिटरमिनेंट से ऑब्जेक्टिव हमेशा तीन चार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इस बार तो और ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा? क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बढ़ गए हैं। कितना हो गया है इस बार 2021 के लिए? 100 ऑब्जेक्टिव्स हो गया है, समझ सकते हैं 100, जिसमें आपको 50 ही बनाना है, ठीक है ना। अब देखिए, और सबसे जरूरी अब आया क्या? कैलकुलस। पूरे कैलकुलस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, पूरे कैलकुलस को, तो कैलकुलस आपके सिलेबस में यो तो है 44 मार्क्स का, बट आप केवल इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप समझिए 60 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और फिर पूछेंगे कि 44 मार्क्स का है तो फिर 60 मार्क्स का कैसे होता? यह है कि सिलेबस में तो है 44 मार्क्स का, बट जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाता है, बनाना सॉल्व कितना करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50, क्वेश्चन कितना आएगा 100, डबल हो गया। तो ऐसे में कैलकुलस के क्वेश्चन को ज़्यादा डाल दिया जाता है। और आप यहाँ देख लेंगे डिफरेंशिएशन से कितना देख रहे हैं 18, समझ सकते हैं 18 डिफरेंशिएशन से केवल है। और ध्यान देंगे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या? मैं केवल डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ। पूरे कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो फर्स्ट बुक में आता है, और एक इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो कि सेकंड बुक में आता है। आप पढ़े होंगे, आपको याद आ रहा होगा अच्छे से। तो ध्यान देंगे जब आप पढ़ रहे थे तो फर्स्ट बुक में जितना भी कैलकुलस का पार्ट है पूरे को नहीं पढ़ना है, केवल डिफरेंशिएशन। क्या बोले? केवल डिफरेंशिएशन। और आपको इसी से केवल डिफरेंशिएशन से केवल डिफरेंशिएशन कितना क्वेश्चन? 18 क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंशिएशन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन आता है और लॉन्ग टाइप भी। तो देखा है मॉडल पेपर में कुल एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है और 5 यानी 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएशन से हमेशा ये होते रहा है कि जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट टाइप में 2-3 क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद देखिए इंटीग्रल कैलकुलस, और आप देख रहे हैं इसमें तो सबसे ज्यादा क्या देख रहे हैं 30, केवल 30 क्वेश्चन, समझ सकते हैं केवल 30 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आए हुए हैं। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि मैथ्स को, मैथ्स का कितना पार्ट है बुक का? दो पार्ट, एक फर्स्ट वॉल्यूम और एक सेकेंड वॉल्यूम। तो सेकेंड वॉल्यूम में आता है इंटीग्रेशन, और उस इंटीग्रेशन में आपको पढ़ना है एक पूरा इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसमें आप एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया वाला से कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है, रेयर कभी आया हो, बहुत मुश्किल से, लेकिन हाँ। उसके बाद क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही आता है, ये श्योर रहे कि उससे आएगा ही, चाहे ऑर्डर वाला क्वेश्चन हो या डिग्री वाला, कैसा, या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, लेकिन क्वेश्चन आएगा ही। तो यहाँ पर देख रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस से कितना क्वेश्चन आ रहा है, 30 क्वेश्चन केवल इंटीग्रेशन से। समझिए इस 30 में 22 से 24 क्वेश्चन ऐसे हैं, 24 मान लीजिए, 24 या 25 ऐसे क्वेश्चन हैं जो केवल और केवल इंटीग्रेशन से हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन हैं, है ना, ऐसे है। फिर आता है कि उसमें क्या क्या पढ़ना है इंटीग्रल वाले पार्ट में, यानी कि जो कैलकुलस का जो सेकंड वॉल्यूम है उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो केवल आप ये पढ़ें इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्जेक्टिव के व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, एरिया वाले चैप्टर को नहीं पढ़ना है। अब यहाँ आइए, अगर इसमें देखें हम लोग नंबर ऑफ शॉर्ट टाइप, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने हैं 10। देखिए इंटीग्रेशन से सीधा सीधा इंटीग्रेशन से 7 क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो कि मैं एरिया वाला बात कर रहा था कितना, 1 क्वेश्चन, और डिफरेंशियल इक्वेशन से कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है और इससे एक ही आने का चांसेस रहता है, लेकिन चूंकि इस बार हुआ क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाया गया, डबल किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 सॉल्व करना है, 100 आ रहा है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 15 सॉल्व करना है, 50 आ रहा है, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 4 सॉल्व करना है और ये कितना रहा है 8 आएगा, सही है ना। तो यहां देख रहे हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस से कितना 10, इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब क्या कि इंटीग्रल कैलकुलस में इंडिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल, एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ जाएगा इसी में। तो कितना क्वेश्चन 10, और इंटीग्रेशन से यानी इससे इंटीग्रल कैलकुलस से कितना 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो ये हो गया कैलकुलस का पार्ट। अब देख रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा,
ध्यान देंगे स्टूडेंट, वेक्टर अलजेब्रा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख रहे हैं केवल वेक्टर अलजेब्रा से, वेक्टर अलजेब्रा से कितना क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है। वेक्टर अलजेब्रा से केवल और केवल 11 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितना है 3, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितना है 1। तो इसमें ध्यान रखें कि वेक्टर से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता तो है, बट हर बार आता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ये तो आता ही आता है और इस बार भी आएगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि वेक्टर को हम लोग को कैसे तैयार करना है ऑब्जेक्टिव के व्यू से और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के भी व्यू से। इसके बाद आते हैं 3D में। तो 3D में देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना आया हुआ है 5, शॉर्ट टाइप कितना क्वेश्चन है 2, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इस बार नहीं दिया है मॉडल पेपर में। लेकिन अगर बोर्ड का जो पेपर आएगा उसमें आप ये मान करके चलें कि एक 3D से लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, श्योर मैं बोल रहा हूँ, पेपर आएगा तब देख लीजिएगा, श्योर है कि रहेगा, मॉडल पेपर में नहीं डाला गया है, बट ये जब बोर्ड का जो ओरिजिनल पेपर आएगा, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम द्वारा 2021 में फरवरी में जो का एग्जाम होने वाला है, उस पेपर में 3D से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इसमें क्या है, शॉर्ट टाइप में भी आया है, हाँ शॉर्ट टाइप में भी आ सकता है और आएगा भी, लेकिन इसको 3D को जब आप पढ़ें तो तीनों के व्यू से, ऑब्जेक्टिव के व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन के व्यू से, लेकिन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन तो बना ही डालिएगा जितना प्रीवियस ईयर का है उसको भी। अब आते हैं LPP। तो LPP से देखिए एक ऑब्जेक्टिव आया और एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये ध्यान रखें अगर आप जब भी प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे ना, तो आपको एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में दिखेगा, एक क्वेश्चन दिखेगा LPP से, क्योंकि LPP आता है 6 मार्क्स का, सिलेबस में कितने मार्क्स का है 6 मार्क्स का। अब सोचिए कि एक तो ऑब्जेक्टिव हो गया 1 मार्क्स का और एक शॉर्ट टाइप हो गया, तो कितना हो गया 2 मार्क्स का, तो 2 और 1 3 सही नहीं रहा, क्योंकि सिलेबस क्या कहता है 6 मार्क्स का। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाए 5 मार्क्स का और एक ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए ऐसे। वैसे पूछने को तो ये तो बिहार बोर्ड का जब पेपर आएगा तो समझ में आएगा, बट मैं यहाँ पर उसको अगर सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे आएगा। और फिर जैसे मैंने 3D में बोला था कि एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग टाइप में, उसी तरह LPP से भी एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा, इसको भी आप श्योर रहें, आएगा तो आएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं लास्ट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटीज देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव में कुल 7 क्वेश्चन है और शॉर्ट टाइप में कुल 2 क्वेश्चन है और लॉन्ग टाइप में 1 क्वेश्चन है। अब इसमें समझें कि प्रोबेबिलिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते ही हैं, इस बार 100 हो गया है इसलिए ये 7 पूछ दिया गया है। हाँ ये भी होता है कि शॉर्ट टाइप में भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 2 क्वेश्चन आता ही है, और इससे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आता है। तो ये रहा पूरा कंप्लीट एनालिसिस कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस में ज़्यादा वेटेज देना है और किस में ज़्यादा वेटेज नहीं देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ ध्यान देंगे अगर आपके कमेंट्स आते हैं इस वीडियो पर, अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको और अच्छे से इस जितना क्वेश्चन देख रहे हैं आप इसमें जितना कितना 100 ऑब्जेक्टिव और 38 सब्जेक्टिव, इन सभी क्वेश्चंस का मैं सोल्यूशन भी आपको दूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका रिस्पांस अवश्य देंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि अगर आपके रिस्पांस अच्छे आते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आएगा भी, तो फिर मैं ये भी बनाऊंगा वीडियो कि किस चैप्टर को आप छोड़ें और किस चैप्टर को आप पढ़ें। ध्यान दें क्या बोला मैंने, कि किस चैप्टर को आप छोड़ें यानी कि नहीं पढ़ना है, और किस चैप्टर को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यानी कि कम चैप्टर पढ़ के मैक्सिमम मार्क्स को कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है। अगर इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।